केरल राज्य में भयंकर बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा है। बाढ़ से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। हजारों मकान बाढ़ के पानी में समा गए हैं, सड़कें धस गई हैं, चारों ओर केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। सेना व NDRF की टीमों के अलावा स्थानीय मछुआरों ने भी अपनी नाव लेकर मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाए हैं। NDRF के जवान लोगों को अपनी पीठ की सीढ़ी बनाकर नाव पर चढ़ाकर सुरक्षित स्थान पर भेज रहे हैं। इस बीच केरल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 357 हो गई है। अकेले शनिवार को ही 33 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि केरल के जल प्रलय में सेना भगवान बनकर लोगों की मदद कर रही है। रविवार को भारतीय वायुसेना के गरुड़ स्पेशल फोर्स के विंग कमांडर प्रशांत ने अलप्पू झा के बाढ़ प्रभावित शहर में छत से एक बच्चे को एयरलिफ्ट कर बचाया। केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सभी राज्यों ने आगे हाथ बढ़ाया है। मदद के लिए सभी राज्यों से सोशल मीडिया के जरिए अपील की जा रही है। उत्तर प्रदेश के DGP OP सिंह ने सभी पुलिस कर्मियों से एक दिन का वेतन केरल राज्य की मदद के लिए देने का ऐलान किया है। और हमने उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया होने के नाते ये निर्णय लिया है कि हम सभी पुलिस कर्मियों से जो उत्तर प्रदेश में पोस्टेड हैं उनसे ये अपील करें कि वे स्वेच्छा से एक दिन का वेतन वो इस कार्य के लिए डोनेट करें। केरल में आवश्यकता अनुसार साधन उपलब्ध कराने के लिए सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF सहित सभी एजेंसियों ने अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने का फैसला किया है। युद्ध स्तर पर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में नौसेना की 46, वायुसेना की 13 और थल सेना की 18 टीमों के साथ कोस्ट गार्ड और NDRF की टीमें दिन रात लोगों को बचाने में जुटी हुई हैं। इस बीच बाढ़ प्रभावित इलाके में फंसे बड़ी संख्या में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को एयरलिफ्ट कर बचाया जा रहा है। NDRF की टीमें जमीन पर तो वायुसेना के हेलीकॉप्टर आसमान से पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। इस बीच कई इलाकों में हो रहे लगातार बारिश राहत बचाव कार्य के लिए चुनौती बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश.org।